अब हम बात करेंगे सर्किट से संबंधित लो के बारे में। सर्किट से संबंधित किरचॉफ ने दो नियम दिए, केसीएल यानी किरचॉफ करंट लो और केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लो। तो सर्किट के बेसिक के बारे में आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं। अब मैं बात करता हूं किरचॉफ के नियम के बारे में। किरचॉफ ने बताया कि फर्स्ट नियम के बारे में बताया कि केसीएल क्या होता है, किरचॉफ करंट लो क्या कहता है। किरचॉफ ये कहता है कि अगर किसी भी नोड पे, जो नोड मतलब बहुत सारी ब्रांच उस पर आकर मिलती हो, किसी भी नोड पे जो धारा का सम होता है वो जीरो होता है, अर्थात समीशन ऑफ आई इक्वल टू जीरो एट एनी नोड। यानी उसके कहने का मतलब हो गया कि नोड पे जीरो का मतलब है कि उस नोड पे जितनी धारा आ रही है उतनी धारा उसमें से जाएगी। यानी समीशन ऑफ आई इक्वल टू जीरो का मतलब है आने वाली अगर आई वन प्लस आई टू हो और जाने वाली आई थ्री प्लस आई फोर हो तो आई वन प्लस आई टू इक्वल टू आई फोर आई थ्री प्लस आई फोर के इक्वल होगा। और ये नोड का नियम है, नोड पे लागू होता है। यानी कोई भी बिंदु जिसके ऊपर दो या दो से अधिक ब्रांच कनेक्टेड हो वो नोड कहलाता है। और ये किरचॉफ करंट लो नोड के लिए एप्लीकेबल होता है। अब यानी आने वाली धारा इक्वल टू जाने वाली धारा, ये होता है समीशन ऑफ आई। समीशन का मतलब है यहाँ पे ई टाइप का एक साइन होता है। समीशन का मतलब होता है समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट। अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट यानी जितने भी धारा है उसका अल्जेब्रिक सम, समीशन ऑफ आई का ये मतलब। ऐसे ही हम बात करें किरचॉफ वोल्टेज लो की, समीशन ऑफ किरचॉफ वोल्टेज लो क्या कहता है कि केवीएल जिसको हम बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लो ये कहता है कि किसी भी मेस के अंदर, मेस एक जो क्लोज पाथ है, उस मेस के अंदर जो समीशन ऑफ वोल्टेज है, समस्त जो वोल्टेज है उसका इक्वल टू, उसका समीशन है वो जीरो होगा, उसका जो टोटल है वो जीरो होगा। समीशन ऑफ वी इक्वल टू जीरो इन ए मेस, यानी मेस के अंदर वोल्टेज जीरो हो जाएगा टोटल। तो स्टूडेंट नेचुरल सी बात है भी कोई भी सर्किट है उसके अंदर एक मेस है यानी एक लूप है, उसमें क्या है लगने वाला जो वोल्टेज है, जितना वोल्टेज लगेगा वो वोल्टेज जो उसके अंदर रेजिस्टेंस है या दूसरी चीज़ें उसमें कंज्यूम होगा, तो जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो उनमें कंज्यूम होगा, तो वो अगर प्लस है तो वो माइनस होगा, इसलिए जीरो हो जाएगा। यानी उसमें वोल्टेज जीरो रहेगा। यानी इस मेस की बात करें कि एक मेस के अंदर वोल्टेज है वो जीरो रहेगा, यानी कि जो वोल्टेज लगता है उसके ऊपर वो उस जो एलिमेंट्स है उनमें कंज्यूम हो जाता है, तो वोल्टेज जीरो आएगा टोटल। ये किरचॉफ का वोल्टेज लो है। ये जो ये दोनों ही जो लो है ये सर्किट को सोल्व करते टाइम हमें यूज़ में आते हैं। तो इस नोड से और ये केसीएल से और केवीएल से सर्किट कैसे सोल्व करते हैं। ये छोटे छोटे बेसिक है आपको मैं क्लियर करवाता रहूँगा। आई होप दैट यू हैव लर्न वेरी स्मार्ट वे फ्रॉम माय लेक्चर। और ऐसे ही बहुत सारे लेक्चर मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। आपको जो चाहिए, जो कंटेंट आपको चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कर सकते हो, मैं उसको जितना हो सकता है ईजी बनाकर आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। तो दैट्स फॉर ऑल टुडे, वी विल मीट टुमारो। थैंक्स।